2023 में इन अलग अलग टाइप के भारतीय सिक्कों की क्या वैल्यू है, कौन से सिक्के रेयर और एक्सट्रीमली रेयर सिक्के हैं जिनकी बहुत ज्यादा कीमत है कॉइन कलेक्टर्स में, और कौन से ऐसे सिक्के हैं जो कि बहुत ही कॉमन सिक्के हैं। अगर काफी टाइम से आपके कुछ ऐसे डाउट्स हैं, आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए एकदम डाउट क्लियरिंग होने वाला है। सो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। तो व्यूअर्स, इंडियन कॉइनेज नाम की जो रेफरेंस बुक है बाय साइना ट्रिडप्पा, ये है वो ट्रस्टेड सोर्स जहां से सभी बिगिनर कॉइन कलेक्टर्स ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स, रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स या फिर पोर्चुगीज इंडिया कॉइन्स के बारे में जान सकते हैं, इन कॉइन्स की बेसिक जानकारी हासिल कर सकते हैं, जैसे कि फिजिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द कॉइन, रेयरिटी ऑफ द कॉइन्स, और 2023 में इन सभी सिक्कों की क्या मार्केट एस्टिमेट्स है, क्या वैल्यू है, इसके बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बहुत दिनों से आप में से काफी सारे व्यूअर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि अच्छी कॉइन बुक्स के बारे में बताएं, जहां से कॉइन्स के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है और कहां से ऐसी बुक्स को बाय किया जाए अच्छी वैल्यू पे। तो आज का ये जो वीडियो है, इसे एंड तक आप देखें बिना मिस किए, क्योंकि आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि साइना ट्रिडप्पा की ये जो लेटेस्ट एडिशन बुक है, ये आपको MRP से कम रेट में कैसे मिल सकती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल चिल्लर ज्ञान को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो व्यूअर्स, इस बुक का जो लेटेस्ट एडिशन है यानी कि 9th एडिशन, जो कि 2023 में जारी किया गया है, ये जारी किया गया आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पे, यानी कि जब हमने अपनी इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स कंप्लीट किए हैं, तो इस मौके पे इस बुक को जारी किया गया है। इसलिए इस बुक में जो भी सिक्कों से रिलेटेड डिटेल्स है, रेयरिटी है, वैल्यूएशन है या फिर मार्केट एस्टिमेट्स है, वो लेटेस्ट 2023 के हिसाब से हैं। और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2023 के सभी लेटेस्ट सिक्कों को भी इस बुक में कवर किया गया है। व्यूअर्स, यहां पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि आज का ये वीडियो कोई भी प्रमोशनल या फिर स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इस बुक को काफी लंबे समय से मैं खुद से इस्तेमाल करता आ रहा हूं, हालांकि ये 9th एडिशन है, इससे पहले पुराने एडिशन होते थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 8th एडिशन की भी बुक है, इससे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास 6th एडिशन की भी बुक है, और भी मेरे पास पुराने एडिशंस की बुक्स हैं जिन्हें मैं रेफर करता आ रहा हूँ। तो साइना ट्रिडप्पा की ये जो बुक है, ये एक बहुत ही अच्छी रेफरेंस बुक है बिगिनर कॉइन कलेक्टर्स के लिए, अगर आप अपनी कॉइन कलेक्शन को अभी शुरू ही करना चाहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इस लेटेस्ट एडिशन की बुक के अंदर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगी, क्या क्या खास चीजें हैं सिक्कों से रिलेटेड, तो ब्रीफ में देख लेते हैं। ये जो बुक मेरे पास है, इसकी स्पेशल बात यह है कि ये साइन करके मुझे दी गई है, जो इसके राइटर हैं साइना ट्रिडप्पा द्वारा। तो ये एक बहुत ही स्पेशल बुक है मेरे लिए, क्योंकि ये ऑथर द्वारा ही प्रेजेंट की गई है। यहां पे आप देख सकते हैं कि इंडियन कॉइनेज, ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स, पोर्चुगीज इंडिया कॉइन्स और रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स के बारे में जानकारी आपको इस बुक में मिलेगी, यानी कि 1835 से 2023 तक के सिक्कों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं कि इस बुक का जो MRP है वो है 999 रुपीज, यानी कि लगभग 1000 रुपए कीमत की ये बुक है। इस बुक में आपको बहुत अच्छे से चीजें समझाई गई हैं। अगर हम शुरुआत से इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें सिक्कों की बेसिक जानकारी के साथ साथ उनकी काफी डिटेल चीजें भी पता लग जाएंगी। यहाँ पे बताया गया है कि जो कैटलॉग है वो किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है इस बुक में। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सिक्कों के डिफरेंट सेगमेंट है, जहाँ पे सिक्कों की फोटोज होंगी, उनकी डिस्क्रिप्शन होगी, फिजिकल स्पेसिफिकेशंस होगी, और यहाँ पे उनकी नंबरिंग होगी, इसके अलावा उनकी क्या वैल्यूएशन है, उनकी ग्रेड वाइज, ये सभी चीजें यहाँ पे बताई गई है कि पूरा कैटलॉग कैसे फॉर्म किया गया है। तो इस वे में सभी सिक्कों को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनाटॉमी ऑफ कॉइन के बारे में बताया गया है, ओवर्स क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, रिम क्या होता है, मिंट मार्क क्या होता है, एज क्या होता है, ये सभी चीजें समझाई गई हैं। तो सबसे पहले जो इस बुक में कॉइन्स दिखाए गए हैं, वो दिखाए गए हैं 1835 से 1947 के कॉइन, यानी कि ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स की सभी सिक्कों की लिस्ट यहाँ पे दी गई है, विद प्राइस, फिजिकल स्पेसिफिकेशंस, सभी सिक्के यहाँ पे आपको सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे, फिर चाहे वो कॉपर के सिक्के हो, सिल्वर कॉइन्स हो या फिर कॉपर निकल कॉइन्स हो। ये सभी डिटेल्स आपको इस बुक में मिल जाएंगी।
यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ गोल्ड कॉइन्स के बारे में बताया गया है ब्रिटिश इंडिया टाइम के, जिसमें 10 रुपी कॉइन्स हैं, 5 रुपी कॉइन्स हैं, जिनकी कीमत आज की डेट में लाखों में है। यूएनसी ग्रेड में ये सिक्का 6.75 लाख की कीमत रखता है। ऊपर आप देख सकते हैं 6.25 लाख। तो ऐसे आपको जो महंगे से महंगे सिक्के हैं, रेयर कॉइन्स हैं, उनकी वैल्यूएशन भी इस बुक से पता लग जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपको ब्रिटिश प्रोटेक्टेड नेटिव स्टेट के भी कुछ कॉइन्स की डिटेल्स मिल जाएगी, इन्हें भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद पोर्चुगीज इंडिया कॉइनेज के जो कॉइन्स हैं उनकी लिस्टिंग भी आपको मिल जाएगी, इन्हें भी आप यहां से स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट और मेरी पर्सनल फेवरेट आती है, रिपब्लिक इंडिया कॉइनेज, यानी कि रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स 1950 के बाद 2023 तक जो जारी किए गए इंडिया में, उनकी कंप्लीट डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। तो यहां पे सभी डेफिनेटिव कॉइन्स हो गए जो आपके 1950 के बाद जारी हुए, उनकी डिटेल्स हैं। इसके बाद जब आप डेफिनेटिव कॉइन्स को कवर कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप आएंगे कमेमोरेटिव कॉइन्स पे। कमेमोरेटिव कॉइन्स सारे 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपए से लेकर 10 रुपए के सिक्कों तक आपको सभी सिक्कों की डिटेल्स इसमें मिल जाएंगी कि आज तक कितने सिक्के जारी हुए हैं। इसके बाद स्पेशल सेट्स यानी कि नॉन सर्कुलेटिंग सेट्स, प्रूफ सेट्स और अनसर्कुलेटेड कॉइन सेट्स की इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे 1950 से 70 के बीच के पहले हैं और उसके बाद 1964 और 2023 के बीच जो कमेमोरेटिव प्रूफ सेट्स जारी किए गए उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे अनसर्कुलेटेड सेट्स की डिटेल्स मिलेंगी, सारे अनसर्कुलेटेड सेट जो सभी मिनट से जारी हुए हैं उनकी विद फोटोग्राफ्स आपको इंफॉर्मेशन, वैल्यूएशन सब यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बुक से आपको क्या नई जानकारी मिलेगी, कितना डिफरेंस आ गया है पुराने एडिशन से। आइए कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है 6th एडिशन, 8th एडिशन और 9th एडिशन। 6th एडिशन में 2017 तक के कॉइन्स की डिटेल्स थी। तो ये जो बुक थी इसमें जो टोटल पेजेस थे वो थे 310 पेजेस। यहाँ पे 8th एडिशन तक आते आते यानी कि 2021 तक आते आते कॉइन्स भी बढ़ गए, तो इसलिए पेजेस भी इसमें बढ़ गए, ये पहुंच गए 344। और लेटेस्ट एडिशन में बहुत सारे कॉइन्स की इंफॉर्मेशन है, इसमें और डिटेल्स बढ़ चुकी हैं, तो ये हो चुके हैं 356 तक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि मैं बताता हूं कि टाइम दर टाइम सिक्कों की वैल्यूज बढ़ती जा रही है, कई रेयर सिक्के तो ऐसे हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो जब आप ऐसे मार्केट को स्टडी करते हैं, कलेक्टर्स कम्युनिटी में रहते हैं और ऐसी बुक्स को रेफर करते हैं तो आपको इनकी वैल्यूएशन में कितना इंक्रीज हुआ है वो भी आप जान पाते हैं। तो कुछ सिक्कों की वैल्यू इन बुक्स के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो सबसे पहले 6th एडिशन में मैं आपको दिखाता हूं 2 रुपी एयरफोर्स थीम का जो सिक्का है उसकी वैल्यू 2017 के हिसाब से क्या थी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 2017 में यानी कि 6th एडिशन की बुक के हिसाब से एयरफोर्स थीम का जो सिक्का था उसका यूएनसी ग्रेड में एस्टिमेटेड प्राइस यहां पे था 350 रुपए। आप देख सकते हैं कि आज से 5-6 साल पहले ये सिक्का कितना सस्ता मिल जाया करता था यूएनसी कंडीशन में। अब यही चीज हम देखते हैं 2021 में। अगर आप देखेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं आया था, 400-500 रुपए तक इसकी यूएनसी कंडीशन में वैल्यू बढ़ी थी। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि रिसेंट में सिक्का बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, तो अब आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट एडिशन की बुक में इसका प्राइस यूएनसी कंडीशन में कितना ज्यादा हाई हो गया है। यूएनसी कंडीशन में यहाँ पे 2000 रुपए बता रहा है इसका प्राइस, हालांकि ये प्राइस 3000 प्लस पहुंच चुका है यूएनसी कंडीशन में। तो इन बुक से आपको समझ में आएगा कि प्राइस में कितना फर्क आ गया है। अब मैं आपको एक और सिक्का दिखाना चाहूंगा, एक और रेयर सिक्का जो कि 5 रुपए का क्रॉप साइंस थीम का सिक्का है। उस सिक्के को देख लेते हैं कि उसकी वैल्यू 2000 में 6th एडिशन के हिसाब से कितनी थी और आज की डेट में उसमें कितना फर्क आ गया है। तो आप यहां पे देख सकते हैं क्रॉप साइंस का यह सिक्का यूएनसी कंडीशन में 2017 तक 7000 रुपए कीमत दिखा रहा था। अब 2021 में देखते हैं कि इसके प्राइस में कितना फर्क आ गया है। तो यहां पे आप देख सकते हैं
कि 2021 में इसका यूएनसी ग्रेड में एस्टिमेटेड प्राइस 9000 रुपए पहुंच गया था। हालांकि मेरे हिसाब से ये 10,000 प्लस चल रहा था, 10-12,000 रुपए, लेकिन बुक में 9000 रुपए मेंशन है। लेकिन यहीं अगर आप 2023 में इसका प्राइस देखते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। आप यहाँ पे देखें कि क्रॉप साइंस का यूएनसी ग्रेड में सिक्का 22,000 रुपए मेंशन है, हालांकि ये 30,000 अब पहुंच चुका है अगर आप मार्केट को स्टडी करते हैं या इस कम्युनिटी में न्यूमिस्मेटिक कम्युनिटी से जुड़े हैं, तो बुक्स में ही इतना प्राइस में फर्क आ चुका है। तो व्यूअर्स, इंपॉर्टेंट चीजें इस बुक में क्या है ये तो मैंने आपको ब्रीफ में बता ही दिया है, दिखा भी दिया है, लेकिन सभी सिक्कों की डिटेल जो इस बुक में है वो तो वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। ये तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप इस बुक को अपने लिए परचेज करते हैं और टाइम लगा के इसे अच्छे से पढ़ते हैं। तो जो व्यूअर्स बहुत टाइम से ऐसी जेन्युइन कॉइन बुक को लेने का सोच रहे थे और इसके बारे में कमेंट्स में पूछ रहे थे, उनके लिए स्पेशली मैं इस बुक को अरेंज करने की कोशिश कर सकता हूँ एमआरपी से कम वैल्यू पे। तो जो व्यूअर्स इस बुक को चिलर गन के जरिए लेना चाहते हैं वो कुछ पॉइंट्स जरूर नोट कर लें जो आगे मैं बताने वाला हूँ। जो व्यूअर्स इस कॉइन बुक को लेने के इच्छुक हैं वो सभी हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी chillergyanofficial@gmail.com पे एक ईमेल करें जिसका सब्जेक्ट होना चाहिए बुक द कॉइन बुक नाम से। अगर काफी लोगों की रिक्वेस्ट आती है इस बुक को लेने के लिए तो मैं इस बुक का बल्क ऑर्डर लेने के लिए कोशिश करूंगा ताकि एमआरपी से काफी कम दाम पे आपको ये बुक मिल पाए, और अगर रिक्वेस्ट बहुत ही कम आती है तो मेरे लिए ये करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप में से कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। अच्छी रिक्वेस्ट आने पे मैं आपके साथ प्राइस और पेमेंट डिटेल्स मेल पे ही शेयर करूंगा, और फिर अगर आपको प्राइस डिटेल सही लगता है तो आप पे कर सकते हैं और फिर अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मेरे साथ शेयर करें जिस पे आपको बुक शिप कर दी जाएगी और ट्रैकिंग रिसिप्ट भी मेल कर दी जाएगी। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो फटाफट से मेल कर सकते हैं बुक द कॉइन बुक नाम से। तो है ना व्यूअर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक बिगिनर कॉइन कलेक्टर्स के लिए, जहां पे उनको रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स, ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स की बेसिक जानकारी अच्छे से मिल पाएगी। यानी कि अगर वो न्यूमिस्मेटिक्स फील्ड में आना चाहते हैं तो वो इस बुक के जरिए अपना जो न्यूमिस्मेटिक्स का करियर है उसे स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप में से काफी सारे व्यूअर्स ये चाहते हैं कि ये बुक आपको मिले वो भी एमआरपी से थोड़े से कम दाम पे, तो जरूर आप जो मैंने प्रोसेस आपको बताया है उसे फॉलो करके मुझे मेल कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इसे लाइक करें, और हाँ मैं ये भी चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस बुक के बारे में अगर और कलेक्टर्स भी जानना चाहते हैं और कलेक्टर्स भी इसे अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो वो भी मेल कर पाएं। और हाँ, चैनल चिलर ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हम जल्द लेके आएंगे भारतीय सिक्कों पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। टिल देन, जय हिंद।